देखिए, यूं तो सैटरडे के दिन को कहा जाता है शनि देव का दिन, लेकिन ये जो वर्ष है 2024, इसको शनि देव का वर्ष माना जा रहा है। ऐसे में किस तरह टेलीविजन के शनि देव यानी विनीत कुमार पहुंचे शनि देव के दर्शन करने, आइए दिखाते हैं आपको। कर्माधिकारी शनि देव का किरदार निभाते निभाते एक कब सोचा होगा एक्टर विनीत कुमार ने कि उन्हें इस शनि देव के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। जी हाँ, आज देखिए एक किरदार निभाने वाले शनि देव खुद पहुँचे हैं इस शनि मंदिर में उनका आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए, मैं शनि मंदिर जाता ही हूँ हर सैटरडे। सबसे पहला काम मेरा सुबह वही होता है बहुत सालों से, पर आज यहाँ इस मंदिर में आए। थोड़ा दूर है घर से, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर मिला है मुझे और मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ मैं आता रहूँ। इसकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं और आप मंत्र सुन रहे हो पीछे बैकग्राउंड में, इससे पावरफुल मंत्र मुझे तो लगता नहीं और कोई है। इस शेमारू ऐप पर कर्माधिकारी शनिदेव ये शो आता है जिसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। इस सीरियल को और तरक्की मिले इसी के लिए आज शनिदेव के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं विनीत कुमार। हिम मुंबई से काफी किलोमीटर दूर है ये मंदिर और इस मंदिर की अपनी एक अलग खासियत है। विनीत कुमार के साथ यूनिट के लोग भी पहुंचे शनि मंदिर में। हाँ, अब क्या है कि मेरा पहला माइथो शो है, मैंने इससे पहले ऐसा कोई शो किया नहीं और उसमें भी सीधा भगवान का रोल करना, तो जितना पब्लिक को हम सिखाते हैं जब सुनते हैं रोज़ रोज़ तो वो सब अंदर आ ही जाता है। तो मेरी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लास्ट 6 महीने जब से शुगर में लाइफ कम्प्लीटली बदल गई है। यूँ तो शनि देव के बारे में हमने कई शोज देखे हैं, ये शो भी उन्हीं में से एक है। अब आप सबको ऐसा जरूर लगता होगा कि एक बार अगर शनि देव का शो हम देख चुके हैं तो दोबारा क्यों देखें? लेकिन हम तो यही कहेंगे कि शो हर बार कुछ नया कह जाता है। हर बार शो से एक कुछ नए दर्शक जुड़ते हैं जिनके लिए वो शो नया होता है और जानकारी भी काफी मिलती है। इसीलिए समय समय पर माइथो शोज बनने चाहिए, फिर चाहे एक कितनी ही बार एक शो क्यों ना बने। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।